क्रेम 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 ह्रेम 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 हुम 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 दक्षिण कालिके, क्रेम 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 ह्रेम 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 हुम 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 स्वाहा मा दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं, जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं, साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस प्रयोगों वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण प्रयोग विधान देंगे रिद्धि सिद्धि प्रयोग के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। आप जानते हैं सर्वमंगल गणपति तो स्वयं विघ्नों को दूर करने वाले और पूर्णता देने वाले देवता हैं, और उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि होते हैं, जो संपूर्ण वैभव यश प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले और समर्थ भी हैं। जिस घर में इन दोनों महादेवियों का स्थापना होती है, वहां स्वयं गणपति साक्षात रूप में उपस्थित रहते ही हैं, इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। अब बात करते हैं साधना विधान के विषय में। यह एक दिन की साधना है। स्त्रियां यदि साधना करती हो तो सुबह स्नान कर अपने बालों को धो लें और उसके साथ ही साधना में भाग लें। यदि संभव हो तो पति पत्नी दोनों ही इस साधना में भाग ले सकते हैं। कुंवारी कन्याएं अपने सिर के बालों को धोकर योग्य वर प्राप्ति के लिए इस साधना को भी संपन्न कर सकते हैं। सर्वथा शुद्ध और पवित्र होकर पीले वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पीले आसन पर बैठ जाएं। सामने यदि संभव हो तो गणेश जी का चित्र को भी स्थापित कर दें। तत्पश्चात लकड़ी के बाजोट पर अपने सामने पीले कपड़ों में ढक कर रखें और बाजोट पर एक थाली रखें। इसके बाद थाली के मध्य में एक स्वस्तिक बनाएं और उसके चारों तरफ एक एक स्वस्तिक केसर से अंकित करें। इसके बाद गणपति पंचानन की स्थापना करें। इस गणपति पंचानन में गणपति विग्रह रिद्धि गुटिका सिद्धि गुटिका शुभ फल होते हैं, पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए ये सभी मंत्र और सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित सामग्री हो। इसके बाद मध्य के स्वस्तिक पर चावलों की ढेरी बनाकर गणपति जी को स्थापित करें। गणपति के बाईं ओर रिद्धि और दाहिने ओर सिद्धि को भी स्थापित करें। गणपति के ऊपर बने हुए स्वस्तिक पर लाभ और नीचे की ओर बने हुए स्वस्तिक पर शुभ की स्थापना करें। चावलों की ढेरी बनाकर उनके ऊपर इन सभी सामग्री को जैसे हम क्रम में बताएं उस क्रम में स्थापित कर दें। अब इसके पश्चात 5 घी के दीपक और 5 अगरबत्तियां भी जलाएं। पहले से ही 108 पुष्प मंगवा कर रख लेने चाहिए। पूरे परिवार के लिए 108 पुष्प पर्याप्त हैं, पर एक बार पुष्प चढ़ाने के बाद उसी पुष्प को दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता। तत्पश्चात जो मंत्र कहेंगे उस मंत्र को पढ़ते हुए 21-21 पुष्प हर विग्रह पर चढ़ाएं। गणपति का मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र से भगवान गणेश पर 21 पुष्प चढ़ाएं। दूसरा है रिद्धि के ओम हेम वर्णाय रिद्धये नमः। इस मंत्र से रिद्धि पर 21 पुष्प चढ़ाएं। अब सिद्धि ओम सर्व ज्ञान भूषिताय सिद्धये नमः। अब मंत्र से सिद्धि पर 21 पुष्प चढ़ाएं। तत्पश्चात लाभ
ओम सौभाग्य प्रदाय धन धान्य भूताय लाभाय नमः। इस मंत्र से लाभ पर किस पुष्प चढ़ाएं, उसके बाद आता है शुभ। ओम पूर्णाय पूर्णमदाय शुभाय नमः। इस मंत्र से शुभ पर भी किस पुष्प चढ़ाएं। इस प्रकार पांचों पर पुष्प चढ़ाकर फिर जल को छिड़क कर स्नान कराएं और सभी का केसर से भी तिलक करें। तत्पश्चात ये सभी को एक साथ लड्डू का भोग लगाएं और जो स्तोत्र कहेंगे उस स्तोत्र का 108 बार पाठ अवश्य करें। और स्तोत्र ऐसा है, कामेश्वरी महालक्ष्मी ब्रह्मांड वश कारिणीम सिद्धेश्वरी सिद्धिदात्री शत्रुणाम भयवर्धिनीम रिद्धि देवी पीत वस्त्राम उद्धत भानु सम प्रभाम कुल देवी नमामि त्वाम सर्वकाम प्रवर शिवाम सिद्धि रूपेण देवी त्वाम विष्णु प्राण वल्लभाम काली रूप धृत्वा उग्रा रक्त बीज निपातिनीम विद्या रूप धराम पुण्याम शुभ लाभ प्रदस्थिताम दुर्गा रूप धराम देवी दैत्य दर्प विनाशिनीम मूषक वाहनाम रूढ़ाम सिंहम वाहन संयुताम रिद्धि सिद्धि महादेव पूर्ण सौभाग्य देहि में। अब इस स्तोत्र के 100 पाठ करना अति आवश्यक है, क्योंकि यह एक दिवसीय साधना है। यदि एक ही बार में आप यह संभव नहीं कर सकें तो आपको चाहिए कि 21-21 पाठ के बीच में 5-7 मिनट का विश्राम ले सकते हैं। उसमें कोई दोष, कोई त्रुटि, कोई दोषी उत्पन्न नहीं होता। और विश्राम के पश्चात फिर से पढ़ना शुरू करें। जब पाठ समाप्त हो जाए तो घर में गुड़ से बनी हुई मिठाई गणेश पंचानन जी को भोग लगाएं और उनका आरती संपन्न करें और आखिरी में पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। तत्पश्चात आप देख पाएंगे, आपको स्वतः ही दिख जाएगा आपके जीवन में, आपके परिवार में कैसा यश प्रतिष्ठा वैभव का आवागमन होता जा रहा है। ये निश्चित है, इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। आज के इस वीडियो में हमारे कुछ वैश्विक त्रुटि के कारण कहीं हमारे शब्द अटक जाते हैं तो क्षमा करिएगा। जिनको यह दिव्य साधना को संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।